त्रयशी त्रिराशाची त्रयशी नहीं बनेगा रा, दो कारण का कमी आएंगे उसमें। हाँ नहीं दो बती आएंगे, एक तो रा रेफ नहीं बन पाएगा, रा रेफ नहीं बन पाएगा क्योंकि अकारांत आ जाएगा। त्रियशी ती रा, रा पूरा है कि आधा है? पूरा है तो फिर पूरा नहीं बनेगा। हाँ तो वही कह रहा है कि पूरा त्रियशी आदेश इसलिए करना पड़ा क्योंकि रा पूरा नहीं आ पाएगा, फिर रेफ बनाना पड़ेगी और शाह नहीं आएगा, त्रियंशाह बनेगा। नहीं तेरे नहीं अंगु किसका हर लोप करो ना, कर ले बोलो कैसे करोगे, पहले तो उसका वो बनाओ अनुस्वर, फिर हाँ ठीक है ठीक है, आप कहने अघुट आ गया ना। अनुसंगालोप कहाँ होता है? अघुट में, तो अघुट आ गया बनेगा वो, लेकिन वो बना ही नहीं रहे ना, वो तो आदेश कर रहे सीधा। तो यहाँ क्या विशेषता है थी, यदि बनाता है तो त्रियशा बनाता है, त्रियशा। हाँ और यहाँ बनाने यहाँ बनाने क्या बना है त्रियशा, और नहीं होता तो क्या करते घोटा यहाँ का लोप होता था, अनुसंग का लोप करते ना, पहले बनाया ना देखो ध्यान जब समीक्षा बनाया था ना, समीक्षा सम्यंच समीक्षा बनाया था, प्राचा बनाया था, प्रांत शब्द है ना, तो अनुसंका लोप किया था, तो यहाँ अनुसंका लोप हो जाएगा तो क्या बनता वो त्रियशा बनता, ती रेफ या उचा त्रियश त्रियंच, मूल शब्द क्या है त्रियंच, या है ना मूल में, त्रियंच शब्द है त्रियंच, तो अनुसंग का लोप हो जाता त्रियंश त्रियशा बनता, यदि ये सूत्र नहीं बनता त्रियशा बनता, ती रा या चा किसमें ता नहीं है, त्रियंश शब्द है, अनुशंका लोप करना बस और कुछ नहीं करना, और विसर्ग संधि कर दो, सीधा अनुशंका लोप करके संधि करना है। यदि यदि ये सूत्र नहीं देते तो कह रहा हूँ त्रियशा बनता, अनुशंका लोप करके संधि करना है। इसी प्रकार से टा में क्या बनता, सीधा वही कहो अनुशंका लोप करके होगा, अनुशंका होगा, अनुसंगा लोप हो गई, प्राचा में किया था ना प्राच प्रांच, यदि सूत्र नहीं है हाँ अंचे लोपा पूर्व से दीर्घ होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं उपदा कहाँ है, यहाँ उपदा है ही नहीं, उपदा किसे कहते हैं, उपदा किसे कहते हैं, पूर्व से दीर्घ करना है, पूर्व उपदा किसे कहते हैं, पूर्व का जो अक्षर स्वर है वो उपदा कहलाता है, सीधी बात है, हैं? अरे लाल वाले स्वर का यहाँ आ है,
तो यहाँ आ का लूप करना क्यों है? अंत्य सूत्र बताओ, तुम तो ये बताओ सस विभक्ति में यदि ये नहीं आता तो क्या बनाते? अब इसमें क्या है, अंत्य लोपो होती पूर्व से दीर्घ होती अघोट सुना दो पहले का दीर्घ का तो फिर वहाँ क्या बनाओगे पूर्व का सूत्र नहीं लगेगा क्या? उतनी चाहिए जैसे तुम ये बात कर रहे भी अक्षय भी हमारे जो कह रहे हैं वो वाली बात कर रहे हैं हम लोग पूर्व को दीर्घ करने की तेरी इच्छा बनाना चाहते इच्छा में भी ऐसा बनाया ऐसे किया था अपने क्योंकि मूल शब्द था प्रत्यंच इसको तोड़ दिया था इसको ऐसा तोड़ा था इसको यहाँ प्रत्यंच को इतनी अंच ऐसा बोल रखे था तो तोड़ करके इसका आ का एक अलग करके ई का बड़ी देख करके त्रियंच तो बना ही रहा त्रियंच तो मूली शब्द है त्रियंच नहीं त्रि शब्द से बना है त्रि और अंच का जोड़ कर नहीं वो तो ठीक है पर मूल तो त्रियंच है ना अच्छा त्रि साधु तुम कह रहे इसको दीर करो अरे आकार रूप करो फिर इसका अनुसर का रूप कर दो त्रिचा बनेगा हाँ बोलो क्या बनेगा ये कहना है हाँ हाँ त्रिचा जैसे यहाँ बनाया था ना महाराज जी ऐसा प्रतिचा प्रति प्रति था ना तो क्योंकि यहाँ धातु क्या है त्रि अंच धातु से त्रि प्रत्यय तिर नहीं है त्रि हाँ त्रि शब्द है अंच आने से वो त्रियंच बनाया तो जैसे वहाँ पृथ्वी शब्द था पृथ्वी धन अंच तो वहाँ इकार था ना इकार इकार का या हो गया या तो पृथ्वी था इसलिए उन्होंने अब अंतर निकालो क्या अंतर आया यदि ये सूत्र नहीं लगते तो त्रिचा बनता सा भी नहीं आता रा में ई की मात्रा आती और हाँ और बड़ी ई की मात्रा आती त्रिचा और उनको पूरा बना था त्रिशाह तो इसके दो हो गए रेप में आकार आ गया क्योंकि इसके सूत्र नहीं है इसलिए उन्होंने पूरे शब्द का आदेश किया यदि सूत्र देते तो मान लो इसका तो रा में आ कहाँ से लाते नहीं शक्कर का आदेश कर देते आगम कर देते सा आगम कर देते सा अनुबंध भी है तो मानो सा का आदेश कर देते आदेश को अनुबंध ना माने तो फिर रा में आ कहाँ से लाते क्योंकि उसको स्वरांत इसलिए इनको आदेश करना पड़ा कि त्रियंश शब्द में त्रिशी आदेश हो गया अब आदेश के बाद कोई विकल्प नहीं रहा टेक टू ऑर्डर बस अब अपन नहीं पूछ सकते कि त्रियंश का या कहाँ गया और रा पूरा कैसे हो गया सा कहाँ से आ गया अब प्रश्न सारे खत्म आदेश हो गया तो आदेश का अर्थ हो जाता है अब सारे प्रश्नों का अंत हो गया अब कितने भी प्रश्न हो आदेश के सामने कोई प्रश्न नहीं होता इससे हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए आगम में गुरु के जो आदेश हैं उसमें बट परंतु लेकिन नहीं है हाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि आदेश जब उन्होंने पूरे शब्द का ही आदेश कर दिया अब उसको अपन बनाना कितने प्रयास करो आई गई नहीं राह में आ तुम ला ही नहीं सकोगे सा का तो आदेश कर देंगे लेकिन राह में आ कैसे लाओगे और या को गायब करना है इसलिए यहाँ पर अब ये जो
एक और इसमें है तो यजादी है। अब सूत्र कौन सा चल रहा अपना आगम उदनुबंधा स्वराद दंत्यात परा ये हो गया था। अब उन्होंने कहा था असमासी शब्द का प्रयोग किया था युजेर असमासे नुरघुटी ही, यानी जब युज युजादि जो गण हैं वो जो हैं उनमें क्या हो गया था नू का आगम हो गया था और युजादि गण जो इनका कोई कहलाता है उसके कुछ नाम आए थे कहीं युजादि गण दे कहीं लिखा हो तो देते हैं क्योंकि ये देते हैं अक्सर कर मतलब जकार जकार वाले सूत्र हैं ये इससे अर्थ है जकार देखो दिया है कहीं नहीं युजादि गण हाँ 110 है यज सज मृज भ्राज राज अच्छा राज भी यजादि गण में है विसज विश्य परिव्राज परिव्राजक अच्छा परिव्राज भी शब्द जो है ये यजादि गण है। ठीक है क्या नहीं यजादि गण कह रहा हूँ मैं यजादि गण उन्होंने अलग दिया है तो यहाँ यूज है यजादि गण पहले पढ़ के आए अपन पर यहाँ पर हम तो दूसरे कारण परिव्राज भी यज है यजादि गण कह रहा हूँ युजादि नहीं यहाँ अपन यूज शब्द से पढ़ रहे हैं पर यजादि गण आया था युजे आदि ही अब युज शब्द से जो है असमासे यहाँ गण नहीं है युज ही है यहाँ गण नहीं है क्योंकि टीकाकार ने युज शब्द का प्रयोग किया यजादि गण का प्रयोग नहीं किया। अब एक समासांत सूत्र ले रहे हैं समास वाला तो समास वाला लिया इन्होंने अश्व युज तो नहीं पर युज शब्द हाँ ये जादी गण भी आएगा उसमें जा 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 भी सा हा जा छा जा भी है उसमें हा सा जा नहीं है हा सा छा हाँ तो इनका हा सा छा में डा होगा यदि ठीक है इसमें ये अर्थ है उसका हा सा छा अंत यजादि नाम अंत यजादि में भी हा में सा में छा में ये यजादि गण नहीं है और यजादि गण तो पूरा है पूरा यजादि गण जो है उसका डा होगा हा सा छा अंत हा सा और सा और छा अंत में है और एवं एवं यजादि नाम डा जितने यजादि हैं वो सब डा बनेंगे राज्ञा राजा यज सज मृज भ्राज राज ये सब जो हैं यजादि गण वाले हैं इनका भी डा होगा पर अपन अपन यहाँ पर आ गए हैं युड युज शब्द ये शब्द अलग है युज शब्द से बना रहे हैं अपन युज शब्द में क्या आ गया आप समासांत ले लिया इन्होंने समासांत किसे बोलते समास किसे बोलते हैं मिलाने के बाद तो जैसे अश्व युज तो अश्वयुक्त हमारे मूल है अश्व के सहित आज से अश्व से सहित अश्व युज तो अश्वयुक्त में क्या बनाएंगे अब पहले बिना इसके बनाया था असमास में बनाया था तो यहाँ क्या बनेगा
वहाँ असमास में युंग बनाया था, युंग युंग कैसे बनाया था, नु का आगम हुआ, मूल शब्द क्या था, युज। तो ना का क्या किया उन्होंने, कौन से सूत्र से, उदनुबंध वाला आया था ना ये, हाँ उसमें ना का आगम कर दिया, तो ना हलंत हो गया और जा हलंत है ही, तो अब क्या करना, ना का अनुसर्ग बना दो, तो युंज बन गया, और फिर पंच बन गया, तो क्या बन गया, न्या चाचे जंगा, तो क्या बन गया, इंज। अब दो व्यंजन आ गए, नहीं नहीं पहले युज शब्द है, चवर दीर्घादि नाम तो लगेगा ही, वो तो चा का गा करना ही है, गा करने के बाद फिर अनुस्वर का क्या करना, अनुस्वर बनाओ, अनुस्वर का क्या करना, फिर पंचम बनाओ, पंचम बनाने के बाद संयोग हाथ से, तो फिर क्या करना है, गा का रूप करो, तो क्या बन गया, युड। अब युंग युंग युंग, अब समासांत में क्या है, लोग यहाँ नू का आगम नहीं होगा, तो अश युज, तो अश युज बनाओ, क्या बनाओगे, चवर दीर्घादि नाम तो लगेगा कि नहीं लगेगा, अश युग बना दिया, और अश युग में एक पदांत धुताम प्रथमा और अब्रामे वह, तो दो विकल्प बनाए, पदांत धुताम तृतीया, तो तृतीया बन जाएगा और ब्राम विकल्प से पहला बनेगा, अश युग और अश युग इन्होंने बनाया है यहाँ पे, तो अश युग और अश युग। अब मूल सूत्र निकाल लो फिर चलते आगे, हाँ ये रूप निकाल लिया करो बनाने के, अश युजऊ ठीक है, अश युजा ठीक है, अश युजम भी ठीक है, क्योंकि ईश्वरवाली हैं। अब अश युजा क्योंकि नू का आगम होना नहीं, सीधा अकेला प्रथमा को छोड़ करके बाकी सभी के, और अभी बीच में व्यंजन आएगा, पहले तो ये रखें, प्रथमा को छोड़ करके बाकी मूल सूत्र से संधि हो रही है, जितने स्वर वाले हैं, स्वर वाले जितने हैं उसमें क्या करना है, सीधी संधि, कोई आगम नहीं कुछ नहीं, मार व्यंजन वाले में क्या लगेगा, चवर्ग दीर्घादि नाम से, हाँ तो फिर यहाँ यहाँ अश युगा क्यों नहीं बनाया, अश युगऊ हाँ ये बोलो ना सीधा, ब्राह्म और व्यंजन होने पर ही कौन सा सूत्र लगता है, चवर दीर्घादि नाम, यहाँ स्वर आ गया तो जैसे जन ज्यों का त्यों कर दिया, शुरू से करते आए अंशऊ, तो इस प्रकार से, और अश युग तो बन ही जाएगा, व्यंजन आ गया चवर दीर्घादि नाम से, अश युग अश युजऊ अश युजा, हे अश्युग हे अश्युजौ हे अश्युजः अश्युजम अश्युजौ अश्युजः अश्युजः अश्युग्भ्याम अश्युग्भिः अश्युजेः अश्युग्भ्याम अश्युग्भ्यः अश्युजः अश्युग्भ्याम अश्युग्भ्यः अश्युजः अश्युजौ अश्युजाम अश्युजी अश्युजो। अब फिर आ गया क्या, अश्व। अब यहाँ पर वही व्यंजन आ गया ना, पहले नहीं ऐसा नहीं, पहले आप व्यंजन से बनाओ, पहले चवर दीर्घादि नाम से क्या बनाओ, गा बनाओ। अब क्या, हाँ नहीं, क्योंकि गा है और आगे सू है, तो सू क्या है, अघोष है, तो अघोष के आने पर पूर्व स्वर पूर्व अक्षर क्या हो जाएगा, तो गा धुट है कि नहीं, गा धुट, तो अघोष के परे होने पर
धुट क्या हो जाएगा का प्रथम को प्राप्त हो जाए तो प्रथम क्या बन जाएगा का और शा ही गया तो कक्ष फिर एक दूसरा विकल्प क्यों नहीं बनाया उन्होंने बनाने में कोई दिक्कत नहीं बन जाएगी संयोगादेर धुटाह संयोगादेर धुटाह अब देखो विचित्र रूप है संयोगादेर धुटोह लोपो भवती ग्रामे व्यंजनाद उच्च व्यंजनाचि लोपश्च वर्ग दीर्घादीना गकार ककारौ अब आ गया है संयोगादिर धुटो लोपो भवति अब मूल शब्द क्या है साधु मंज शब्द देखो कैसे कैसे शब्द हैं बड़े अपन लोग मूल शब्द तो है साधु मंज शब्द तो आता है श्रीमद साधु मद तो साधु मद है लेकिन मूल शब्द क्या है ये साधु मत्स्य बताओ कौन से शब्द से कहाँ बना श्रीमद आता है ना वो तो श्रीमज हाँ तो जी मद आया अभी देख अभी है अब यहाँ देखना अब देखो ये सूत्र कहाँ पहुँचे अब देखो श्री मत्स्य शब्द है वो साधु मत्स्य मत्स्य नहीं श्रीमान नहीं श्रीमंत नहीं श्री मत जिनेन्द्र मत मत मंत नहीं श्री मत है श्री मत हाँ ताका दा करके फिर जा आ गया जिनेन्द्र आ गया ना तो श्री मत जिनेन्द्र अब देखा तो वहाँ मूल शब्द क्या था और क्या बन जाते हैं यहाँ जगह संयोग संयोग आदि धुटो लोप होती अब इसमें संयोग के रूप में जो धुट आया है संयोगात संयोगादेह आदि शब्द भी है इसका अर्थ ऐसा निकालो संयोगादेर धुटो लोपो होती संयोग किससे हुआ है संयोग के आदि दो संयोग हैं कि नहीं हाँ सा और जा है तो आदि के संयोग का करो हाँ दो संयोग हो गए ना जा और सा तो सा का लोप करेंगे आदि हाँ आदि आने और नहीं हाँ नहीं तो आदि सब और के अर्थ में आता ना नहीं वो नहीं वो तो है लेकिन वो आदि भी तो वही आदि है और के अर्थ में भी तो आदि आता है कि नहीं ये शादी वो शादी में क्या अंतर है लिपि में क्या अंतर है अरे मैं कह रहा हूँ उच्चारण में क्या अंतर है अरे वो भी आदि है ये भी आदि है दोनों दीर्घ है दोनों कोई अंतर नहीं है आदि वो भी है देखो यहाँ यहीं देखो व्यंजन आदि लिखा है कि नहीं हाँ तो वो भी आदि वही है हाँ चलो तो संयोग के दार लोग हाँ तो आदि का आदौ आदि में व्यंजन मुनि
मूल आदि के विकल्प नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है संयोग आदि या संयोग का आद्य। हाँ प्रथम, यहाँ प्रथम अर्थ में आ रहा है। ठीक है, आदि से ही आद्य बनता है, आदि से ही तो आद्य बनाते हैं ना, आद्य आना पहले। ठीक है, संयोग आना, दो जो संयोग हैं, संयोग अक्षर दो आता है, संयोग दो माने जाते हैं, उनमें आदि वाले। अभी ये आदि शब्द क्यों लगाना पड़ा? दो है इसलिए, नहीं तो पीछे का भी आदि वहां संयोग अंत से लोकल में अंत था, अंक अंत का लोकल क्या कर रहे थे, संयोग अंत से लोकल में अंत का लोकल कर रहे। हां यदि अपन अभी तक अंत का लोप करते आए तो यहाँ तुम अंत का लोप कर देते, तो अंत का लोप हो तो रहा है। यदि मानो ये सूत्र नहीं देते तो अपन अंत का लोप रखते, सा को सुरक्षित करते, पर इनको क्या करना है, सा का लोप करना, जा को रखना, इसलिए ब्राह्म है। तो इस प्रकार से संयोग आदे धुटो लोपो और धुट संयोग आद, लेकिन वो संयोग किससे होना चाहिए, धुट हो। यदि धुट नहीं है तो धुट संज्ञा किसे कहते हैं, अंत अनुनासिक और अंतस छोड़ करके, तो ये अनुनासिक भी नहीं है, अंतस भी नहीं है, तो इसका अर्थ धुट तो है। तो धुट यदि आता है तो संयोग में, तो भी संयोग फिर लोक हो जाएगा आदिगम। धुट सा पर तीन चीज रखो, संयोग, संयोग बनाओ कितने हैं, दो संयोग हैं, सा और जा, तो आदि के संयोग का लोप करना है। यदि वो धुट है तो, यदि धुट नहीं होता, ना होता तो मा होता, तो यदि आ होता, या होता, या राला, अंतस, अंतस किसे कहते हैं, या राला बा, यदि बीच में आधा होता उससे संयोग बनता, मतलब या राह हलंत आ जाता, राह से संयोग बनता, बन सकता था कि नहीं, बन सकता है, अनुनासिक से बन जाता है, पंचम अक्षर से भी बनाई है अपन ने, अभी अंश बना के आ रहे हैं, तो उनसे आने पर नहीं होगा। मात अकेला धुट यदि आएगा तो तीन चीजें विचार करो, संयोग हो और धुट हो और उसमें आदि हो, तीन चीजें होने, तो इस प्रकार से। और कहाँ होगा, ब्राह्म व्यंजनाद उचा, दूसरी शर्त क्या है, ब्राह्म हो और व्यंजन हो, इस प्रकार से। तो अब अपन, हाँ तो अब अपन को बनाना है प्रथम व्यक्ति, प्रथमा, प्रथमा का एक वचन, मूल शब्द लाओ, साधु मत्स्य, साधु मत शब्द है। अब इसके संबंध पहला 273 सूत्र से क्या करो, इस सा को हटा दो, तब क्या हो जाएगा, साधु मत हो गया, साधु मत। अब साधु मत के बाद अब अपना सी आ गया, अब इससे सूत्र लगाओ, कौन सा लगाओगे, व्यंजनान से क्या करना, क्यों यदि इसका लोप नहीं करते तो सा नहीं हटता वाला दी, क्योंकि व्यंजन और विराम परे होने चाहिए, व्यंजन और विराम। हाँ तो फिर इसमें इसको हटा दिया, अब क्या साधु मत बचा अकेला, आप इसको क्या करोगे, हाँ चवर दीर्घ आदि नाम सूत्र है, क्योंकि जा चवर है कि नहीं है, इसको क्या करना अपन को, साधु मग बन गया। ठीक, नहीं एक तो बनेगा ये, अब बनाओ
सुनो बाप राम का अर्थ क्या, बाब राम शब्द जो आया है पदांत राम प्रथमा के बाद आया था, तो जब पद के अंत का धुट हो और वो प्रथम अक्षर प्राप्त होके करता है तो ये धुट तो है ही, ऐसा का बन गया, बस विकल बन जाएगा काका। साधु मग अब देखना, अब आ गया रब अब विशेषता आ रही है धुटाम तृतीया धुटाम तृतीया धुटाम तृतीयो भवति घोषवति सामान्य घोट घोष है, धुट जो है तीसरे अक्षर को प्राप्त होता है घोषवति सामान्य घोष शब्द आगे आने पर इति शस्य तृतीयत्वे प्राप्ते है लिवर्ण तवर्ण लसा दंत्याः इसकी हिंदी तो ये है, अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, शस्य जो है तृतीय को प्राप्त होता है इति शस्य सा शस्य का तृतीयत्वे शब्द विभक्ति तृतीयत्व प्राप्त होने पर कौन सा सूत्र लगा है लिवर्ण तवर्ग लसाह लिवर्ण है तवर्ग है लसाह लाशा और दंत्या वो दा को प्राप्त हो जाता है इति न्यायस्य सकारस्य दकारः। अब इन्होंने कोई विवक्षा बनाई है कि अपन को अभी इतना ही समझ लो कि दकार का सकार का दकार धुटाम सा धुट है कि नहीं, हाँ, और आगे क्या है हाँ वो आगे अपन ने पढ़ा नहीं है इसलिए अपन को वो ठीक है, अभी वो जो कुछ भी है अभी अपन ने इसको अभी अपने पास एक कोर्स में आया नहीं है इसलिए उन विषयों को अपन जाएंगे तो उलझ जाएंगे। अभी अपन को क्या करना है सकार का दकार क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं बस। अब वो सकार दकारांत सब किससे उच्चारण होते हैं, दंत से दा से दा, तो कौन सा आ गया सा सा दा दा ऐसे सकार, तो सकार के स्थान पे क्या करना है पहले तो धुट ढूंढो इसमें कौन कब आना है, नुटाम तृतीयो भवति घोषवति सामान्य धुट जो है तृतीय अक्षर को प्राप्त हो जाएगा घोट घोट के सान आने पर, तो आगे घोष क्या आ गया जा, तो ये किसमें हो जाएगा जा, यदि सामने आ गया तो सा किसको प्राप्त हो गया दा को, बस इतना ही है। अब ये दा कहाँ करना है, अब देखो इस सूत्र से तुम्हें कितनी शंकाएं हो रही हैं बताओ, नहीं ऐसा नहीं, सही शंका करो, शंका ऐसी करो कि जिसमें शंका में दम हो, नहीं शाका दा तो आदेश हो गया अब नहीं शाका दा हो इसी धुटाम तृतीया से टीका से अपन को पता चला धुटाम तृतीय होती घोषवती सामान्य, तो घोषवती जो है घोष आ गया जा है कि नहीं जा, हाँ घोष है तृतीय अक्षर हो गया ना, तो और धुट है शाह धुट है तो दकार कर दिया आदेश हो गया। अब और बताओ क्या विकल्प कर सकते हो तुम,
धुटका घोष है, जाघोष आ गया तो जो धुट है वह तृतीय को प्राप्त हो जाएगा, तो टाम तृतीय हुआ थी दकार। अब आप प्रश्न पूछो है, नहीं वो तो घोष वो सामान्य वो तो पीछे चला गया घोष। देखो ऐसा नहीं करो, साधु है ना, तो यहाँ तो कौन सा है? हाँ तो धा क्या है, घोष पक्का। अब क्या करना, आ है साधन में पहले सा होता तो कर लेते, आ बीच में पड़ा हुआ है और माँ में भी आ है। तो अब देखो अब इसमें तुम्हें प्रश्न उठा सकते हो कि ये जो तृतीय शब्द कर रहे हैं ये कहाँ कर रहे हैं, पूरे शब्द में कर रहे हैं या घोष में स्वरांत में कर रहे हैं कि व्यंजनांत में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? विभक्तियाँ दो हैं कि नहीं, स्वर वाली और व्यंजन वाली। तो अब इसमें क्या स्वर वाले में करना कि व्यंजन वाले में करना, कहाँ लिखा? जब कोई चीज नहीं दी है यहाँ तो अभी अपन क्या मान के चले हैं, दोनों में नहीं, घोषपति सामान्य तो मूल शब्द में आ गया, साधु मत शब्द है ना, तो जाघोष हो गया, साकादा कर दिया, इतना काम हो गया। अभी साकादा कहाँ करना है, अब जब यहाँ कोई स्वर नहीं दिया, कोई घुट नहीं दिया, अघुट नहीं दिया, तो सभी को अपन ने शब्द बदल दो। मैं वहाँ तुम्हें कह रहा हूँ शब्द पूरा बदल दो, कहाँ से बदलना है शब्द, द्विवचन से, माँ सी को छोड़, सी तो बन गया, किसमें वो पहले सूत्र दे दिया, उन्होंने पहले बना के रख दिया, वो तो उन्होंने पहले कर दिया संयोग आधार धुट, ऐसा उन्होंने पहले कर दिया, संयोग होने पर धुट का लोप होता है, ब्राह्मे व्यंजन आदि उचा, ब्राह्म होने पर व्यंजन होने पर ऐसा। तो अब इस प्रकार से क्या बन गया है, सभी में करना है, तो अब क्या बनेगा तृतीया में, अब साधु मज्जऊ। अब देखो माँ का क्या किया था उन्होंने, सा का क्या किया तुमने, दा। अब दा के बाद कौन सा सूत्र है, क्यों नहीं अभी तुम तो जो बताया उससे पढ़ो, अभी वहां मत पढ़ो, इतने बोलो, यदि हमें नीचे पढ़ के बताया ना तो तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं तो पढ़ लूँगा और पढ़कर फटाफट बता दूंगा, लचर भर गए तू फलाना भर गए तू बता दूंगा, उनका पता नहीं कहाँ से आ गया। इसलिए मैं तुम्हारे साथ में मैं भी बुद्धू बनता हूँ। हाँ बच्चे को तोतली भाषा में नहीं खिलाओगे तो वो आउट कर देगा तुम्हें, इसलिए वो भी जय बोल रहा है तो तुम भी बोलो दे। अभी ठीक है सूत लग रहा है, अपन को अपनी बुद्धि लगाना है, क्योंकि जब तक मन को टेंशन नहीं दोगे तो तुम्हें सही अर्थ पर नहीं पहुंच पाओगे। टेंशन दो ना, अपने जो लिखा है हमने कितने बार कहा, जो लिखा है वो तो लिखा ही है, अपन दो मिनट में देख लेंगे। तो अपना बुद्धि तो लगना चाहिए कि नहीं, अपन भी सोचेंगे नहीं सोचें, वो तो जो लिखा है वो तो पढ़ ही लेंगे, वो तो रकील के फकीर बन नहीं है, लकीर के फकीर तो बने। अब अपन देखो अब इस सूत्र से बनाओ आप द्वितीय का एक वचन का द्वि वचन बनाओ। तो अब इससे सूत्र से अपन के पास साकादा हो गया कि नहीं, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। अब साधु क्या बन गया, साधु मज्ज मज साधु अंधा बन गया। अब तो अब दा के संबंध में ये साधु मज्जो बना रहे हैं, सूत्र अपन के पास है, मतलब वो रूप अपने पास चल रहा है। अब कोई सूत्र अभी तक पढ़ा हो
दा का जा बनाने वाला, याद करो, क्योंकि ये तकार है। दा किसका है? तकार। ता का दा बना तकार, और आगे जा है। अब जा से तद्रूप करो, दुत्त करो, कोई आता हो सोचो, कुछ लगाओ, दुत्त करने वाला आता हो, कोई सूत्र आता हो, वहा तकार का था पर रूपम तकार जो है पर रूप को प्राप्त हो जाता है। अभी तक अपन ने दकार का कभी पढ़ा ही नहीं, तो अब ये हो गया कि दकार से जा बनाने वाला सूत्र अभी नहीं आया। अब नीचे देख लो कहीं आया हो तो हेल ग्रह तवर्ग चट वर्ग योगे चट वर्ग 291 नंबर का सूत्र है। अपन 291 अभी पहुँचे नहीं हैं, अब 291 निकाल लो क्या दे रहे हैं। ये है अनंत्यस्तर तवर्ग चटवर्गे चटवर्ग प्राप्त होती आंतर तम्याम राज्ञा शब्द बनाया इन्होंने, ठीक है। अभी उसमें अपन जाएंगे तो रुक जाएंगे, अभी तो ये कर लो कोई आगे सूत्र है जिससे ता का क्या बन गया, जा बन गया। तो साधु मज्जहू, वो वहीं समझ में आएगा, अभी वो सूत्र पहले समझ में। साधु मज्जहा, ठीक है। और अब देखो साधु मज्जा ये सब ठीक बन रहा है। अब देखो अब इसमें साधु मगभ्याम, साधु मजभ्याम क्यों नहीं बना रहे? अरे जा का दा हो गया था, सुनो सुनो, साधु मज में सा का दा किया था कि नहीं, जा यथावत है कि नहीं, तो अब तो साधु मज, तो अब बनाओ। अब इसमें कहाँ गया था? हाँ तो दकार कहाँ चला गया, कैसे हो गया दकार है? हाँ तो क्या तो, च, 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 तो दो जा आना चाहिए कि नहीं? इसमें दो सूत्र लग गया ना, संयोग का लोप हो गया ना, सा संयोग का लोप हो गया ना, सा का जो दा है बीच में उस संयोग का ध्वट पर ही होने पर होता है, लोप हो गया। हाँ वो बोलो बोलो, संयोगात क्योंकि भ्याम के भ्याम क्या, ऊपर ऊपर आपने क्यों नहीं किया? स्वर वाली व्यक्ति है, सस अस जितनी स्वर, क्योंकि वे धुर संज्ञा को प्राप्त नहीं है, इसलिए ये सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पर संयोग आदि सूत्र तो लगेगा, जा तो किया है, समझो जा तो किया है, जा दा का सा का दा किया है, और दा का और आगे क्या है, सकार है, तो उसका संयोग लोप कर दिया, तो यहाँ दकार किया है कि नहीं? नहीं, नहीं क्यों नहीं किया? आप अभी करके आए कि सब में बनेगा, सा का दास सभी जगह करना है कि स्वर वाली भक्ति में, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बता, कहाँ कहा? इसलिए हमने कहा था देखो संदेह उठाओ,
जो टीका से भी अपन को संदेह होना चाहिए। अपन ने दो रूप निकाले, एक मूल सूत्र से नहीं है तो टीका को तो सुलझाना चाहिए। कितने सूत्र आए जो टीका भी नहीं सुलझा रही है, यहाँ टीका को सुलझाना चाहिए कि नहीं सुलझाना चाहिए। टीका काय के लिए है? अब यहाँ आने अपन बुद्धि लगाओ, क्या मतलब इनका, इनको अपन सही करो। पहले अपन मूल सूत्र को कभी नहीं सुधारना, शायद अपन चूक रहे हो तो, और मूल सूत्र सही हो तो अपन पहले धर से पुष्दंत भूत बलि बनो। गलत मंत्र दिया है तो अभी मत देखो, पहले सिद्ध तो करो, पहले सिद्ध करो, अब बाद में सुधार लेंगे अपन। तो अब देखो अपन दा से दा को बना लें, क्योंकि मूल सूत्र में टीका ने भी नहीं कहा व्यंजन करना, तो अपन दा बनाओ, पहले दा बनाओ। अब दा से भ्याम आ गया तो क्या बनाओगे? जा का गा हो जाए, कर ले नहीं, दा का गा तो कर लेंगे, पर दा वहाँ दा और सा, इन दो को जब सा के स्थान पर दा हो गया था तो यहाँ पर आना चाहिए थे साधु मदक भ्याम, साधु मदक भ्याम। तो धुट तो है, वो तो जा है धुट के नहीं है, वो तो सब में है कि नहीं है, वो तो है ही। लेकिन इसमें एक और चीज थी कि विराम और व्यंजन परे होने पर पहले सकार का रूप आएगा, पहले वाले सूत्र में दे चुके हैं, तो अब जब आपको विराम और व्यंजन पहले दे चुके हैं, अब यहाँ कुछ और नया देना हुआ, इसलिए वहाँ स्वर सी में भी तो मार दी, सी में भी तो व्यंजन ही था, तभी तो उन्होंने उस सूत्र को अप्लाई किया। संयोग आधे धुटी जो सूत्र था ना अपना, संयोग आधे धुटी, वो तो संयोग के आदि का सब लगा दिया था उसमें, तो विराम व्यंजना भी अच्छा, अरे तो क्या कर दिया यहाँ पर? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलो पहले तो दकार हो गई नहीं, यहाँ क्यों नहीं होगा? उसके पहले लोप हो जा रहा है वो। पहले लोप कौन से सूत्र से? संयोग के आदि का धुट आने पर क्या हो गया? लोप होता है, इसलिए नहीं होगा। लेकिन व्यंजन और विराम परे होने पर है, इस कंडीशन में ये कंडीशन तो स्वर में भी लग सकती है। क्यों? व्यंजन और विराम परे होने पर नहीं नहीं लगेगी, विराम और व्यंजन हो ना, तो वहाँ शी का लोप हो गया तो भ्राम आ गया कि नहीं? अब यहाँ तो भ्राम का लोप करोगे क्या? हाँ, तो इस प्रकार आगे समझ में चले, अपना टाइम भी हो रहा है। साधु मज्जहू, साधु मज, हाँ कहाँ पर रहे थे, कौन सा भ्याम, भ्याम वाला भ्याम, साधु मग भ्याम, चश्मा साधु मग भी, हाँ अब ये बन समझ में आ गया ना, साधु मग भ्याम क्यों नहीं, क्यों बन रहा है? क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन आने पर वह सा का दा नहीं हुआ बल्कि लोप कर दिया, संयुगांतर से लोपा का हो गई हुआ। साधु मज्जे, साधु मग भ्याम, साधु मग भ्या, साधु मज्जा, साधु मग भ्याम, साधु मग भ्या, साधु मज्जा, साधु मज्जो, साधु मज्जाम, साधु मज्जी, साधु मज्जो, साधु मंगछु, ठीक है। उसमें भी इतना भी कौन सा आ गया विभक्ति, स्वर व्यंजन वाली व्यक्ति आ गए, व्यंजन आ गया तो वो डकार वाला सूत्र नहीं लगेगा, सिद्ध मंगछु, ठीक है। साधु तक्ष